हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं एक बहुत ही इंस्टाग्रामेबल कैफ़े में जाने वाली हूँ एंड मुझे काफ़ी टाइम से यहाँ जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम और द अदर रीज़न में जा नहीं पा रही थी। एंड दैट इज़ हाराजुकू टोक्यो कैफ़े इन सेलेक्ट सिटी वॉक। सो अब आ रही है शाउट आउट की, एंड इस वीडियो में शाउट आउट जाता है आशुतोष झा को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। If you want shoutouts like these on my video, then make sure to like, share and subscribe and hit the notification bell so that you get notified every time I upload a video. So now let's begin with the video. So, अगर मैं हाराजुकू कैफ़े के एम्बियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्यूट सी वाइब है। यहाँ पे आप कहीं पे भी देख लो, वहाँ पे आपको ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे जहाँ पे आपका मन करेगा कि फ़ोटो आप क्लिक करवाओ। स्पेशली जो ऊपर क्लाउड्स हैं वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, एंड पूरा जो एम्बियंस है वो फील दे रहा था कि जैसे आप एक टोक्यो के किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो। अदर देन दिस, जो इनका फूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल है, एंड आई होप कि खाने में भी इक्वली उतना टेस्टी हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ देयर कैपेचिनो, एंड देखने में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, स्पेशली दैट कुकी कैट। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक मार्शमेलो भी है जिसमें एक टेडी बेयर का फेस बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कैपेचिनो की टेस्ट की बात करूँ तो मुझे ओकेश लगी, मैंने इससे बहुत बेटर कैपेचिनोस ट्राई करी हुई हैं, बट जो इनकी कुकी थी एंड जो मार्शमेलो है वो दोनों देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ देयर चिकन पेपरोनी चीज़ बॉम। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है एंड काफ़ी फ्रेश भी लग रहा है। इट्स सुपर हॉट बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर चीज़ है जो मेल्ट हो रखी है अच्छे से, सो आई एक्सपेक्ट अ चीज़ पुल। अनफॉर्चुनेटली चीज़ पुल तो नहीं है, बट इसके अंदर चीज़ काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है जो कि मैं देख सकती हूँ। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो जो इसका बन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा चीज़ का टेस्ट आ रहा है, एंड जो पेपरोनी है उसके साथ ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ग्रेट स्नैक आई फील विथ कॉफ़ी स्पेशली। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस लगा, एंड इफ़ यू कम हियर देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। सो मेरी नेक्स्ट डिश आ गई, एंड इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई रियली रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर जो कॉर्न डॉग्स है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, आई एम श्योर ये काफ़ी फिलिंग भी होने वाले हैं। सो अब ट्राई करते हैं इनका कॉर्न डॉग। सो जैसे ही मैंने इसका बाइट लिया तो काफ़ी ज़्यादा हॉट था ऑफ कोर्स, बट मुझे लगा था कि इसमें चीज़ पुल आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली आया नहीं, इवन तो इसके अंदर चीज़ थी। बट ओवरऑल अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस है। जो ऊपर सॉसेज उन्होंने डाली है और जो अंदर चिकन का सॉसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, फ्रेश है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसके साथ इन्होंने एक सॉस भी दी थी जिसके अंदर मैंने डिप करके इस कॉर्न डॉग को खाया, एंड ऑनेस्टली मुझे ये कॉर्न डॉग बिना सॉस के ही ज़्यादा टेस्टी लगा, सॉस इतनी मुझे अच्छी लगी नहीं। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप इस कॉर्न डॉग को खा रहे हो तो इस सॉस के साथ अवॉइड ही करना, विदाउट सॉस ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉस से चीज़ काफ़ी अच्छी लेयरिंग हो रखी है। सो इन दी एंड आई ऑर्डर्ड द डिज़र्ट। करना तो था मेरे को इनका द फेमस पैनकेक, बट वो काफ़ी हैवी होता है, सो आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग कवाई क्रीम पफ चॉकलेट, एंड देखने में सुपर क्यूट है। ये चीज़ तो है कि इनकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इंस्टाग्रामेबल है, एंड खाने में भी इक्वली टेस्टी है। सो अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ एंड टेक्स्चर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, एंड ठंडे की वजह से ये और अच्छा लग रहा है खाने में ओवरऑल। डेफिनेटली मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, एंड मैं इसके और भी फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद करूँगी। इन माई नेक्स्ट विजिट डेफिनेटली मैं इनका पूरा डिज़र्ट सेक्शन खाने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा है। सो अभी तक तो जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई करी है इस कैफ़े में वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। पर्सनली मुझे ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे जो भी फूड है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, टेस्टी है, एंड देखने में भी इक्वली क्यूट है। अदर देन दिस यहाँ पे एक क्लॉ मशीन भी है, आई होप मैं सही वर्ड बोल रही हूँ इस मशीन के लिए।
चाइल्डहुड में मेरे को तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। आई पर्सनली लव दिस प्लेस फूड एंड एम्बियंस ओवरऑल। एंड इफ़ यू आर इन दिल्ली और इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली देन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस प्लेस अ ट्राई। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।